हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चिकित्सा संस्थान एवं स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों पर हुआ योग। डॉक्टर विश्नोई पीएम का शुभकामना संदेश। आशाओं ने सरपंच साहिबान को किया सपोर्ट। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को जिले भर में चिकित्सा संस्थानों पर योग गतिविधियां आयोजित की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर योग दिवस का आयोजन किया गया और विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान आमजन में स्वस्थ शरीर के लिए योग की महत्ता पर विस्तार से जानकारी दी गई। सीएमएचओ डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई ने बताया कि विश्व योग दिवस पर जिले के सभी हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। यहां योग शिविर आयोजित किए गए ताकि आमजन योग का महत्व समझ सके। आमजन को इस दौरान नियमित रूप से योग करने के लिए प्रेरित व जागरूक किया गया। डॉक्टर विश्नोई ने बताया कि पिछले साल कोरोना की मार को ध्यान में रखते हुए इस साल की थीम मानवता के लिए योगा का चयन किया गया है। ये विषय अच्छी तरह से दर्शाता है कि महामारी के दौरान योगा ने लोगों के कष्टों को कम करने और कोरोना के बाद आमजन ने भी मानवता की सेवा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम करुणा दया के माध्यम से लोगों को एक साथ लाएगी, एकता की भावना को बढ़ावा देगी। साथ ही आमजन से अपील है कि विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योग के साथ शपथ लें कि भविष्य में नियमित रूप से योग करेंगे। जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी ने बताया कि आशा सहयोगिनियों ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता और जानकारी समय पर पहुंच पा रही, उसमें आशा सहयोगिनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना काल में भी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में आशा सहयोगियों ने अतुलनीय योगदान दिया है। उनके इसी मेहनत और सेवा भाव को आज वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। इसलिए योग दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंचों हेतु शुभकामनाएं संदेश भेजा गया जो कि जिले की आशाओं द्वारा शुभकामनाएं संदेश सरपंच साहिबान को सुपुर्द किया गया। हर साल की भांति अभियान को सफल बनाने हेतु सभी चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, आशा NM कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।